अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। लास्ट क्लास जो हमने की ली थी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूले मैंने लिखवाए थे और आप लोग से कहा था कि उसे लाजमी याद कर लीजिएगा। तो यकीनन आप लोग भी याद कर लिए होंगे और अगर नहीं किए या भूल गए तो बस रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था वो था डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। सिंपल है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और ये बात मैंने आप लोग से कही थी कि इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि कॉस एक्स डिफरेंशिएट होगी जब माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स में जब आता है, कॉस एक्स जब साइन एक्स में आता है तो माइनस की साइन आती है। कॉस एक्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन एक्स, ओके, इसको याद रखना है। और तीसरा फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तीन फॉर्मूला आपसे कह दे कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग लाजमी याद कर दीजिएगा। इन तीन के अलावा, ये तो पिछले क्लास की लास्ट क्लास जो हमने प्रीवियस क्लास दी थी उसका आपको होमवर्क दिया था याद करने के लिए। आज मैं मजीद दो तीन फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये तो प्रीवियस क्लास में मैंने याद करने के लिए दिया था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या है? सेक एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। और नंबर फाइव पे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यहां पे भी याद रखना है। और लास्ट फार्मूला आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये छह फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये लास्ट भी आपको याद रखना है। ये फार्मूले आपको यहां पर भी काम आएंगे और इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चंस की तरफ हम आएंगे। आप डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में एक्सरसाइज में मौजूद हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर सेवन, बल्कि सिक्स कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पास है फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन आज हम करेंगे। क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन वही है हमारा पुराने तरीका, केस क्या मालूम करना है? डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टेकिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है तमाम क्वेश्चन में? टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। तो डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम डेरिवेटिव का ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगा देंगे और राइट हैंड साइड पे भी हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, यानी यू अपन वी का फॉर्मूला। यू अपन फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं ऑलरेडी, उसी को मैं दोबारा से यहां पे लिखा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपन वी का फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ यू और वी एज इट इज, ये एक्स और यू में थोड़ा सा फर्क रखिएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ वी यू एज इट इज अपॉन वी स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो d by dx of f of x is equal to d by dx of u, u क्या है? d by dx of numerator वाला function 1 plus cos x, और v as it is sin x as it is minus d by dx of v, यानी d by dx of sin x, और अब u as it is। u upon v का formula आप लोग को मैंने बहुत अच्छी तरह याद कराया था previous classes में, क्या था? अगर u upon v की form में आएगा तो पहले u differentiate होगा, v as it is आएगा, ब्रैकेट से बाहर है ना, v के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं लगेगा, माइनस की साइन आएगी, फिर d by dx of v और u as it is आएगा। फर्स्ट टर्म जो बनेगी उसमें न्यूमिनेटर वाला फंक्शन u डिफरेंशिएट होगा, v as it is आएगा। सेकंड टर्म जो बनेगी उसमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन v डिफरेंशिएट होगा, u as it is आएगा, और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u हमारे पास है न्यूमिनेटर वाला फंक्शन 1 + cos x, और v हमारे पास है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यानी sin x। वैल्यूज पुट करते d by dx of u v as it is, d by dx of v, v कौन है? v कौन है? sin x।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और अब यू एज इट इज यानी न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर वी कौन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में क्या साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स ये स्टेप बस आपने ख्याल से करना है फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करते हैं ये स्टेप ख्याल से करना है उसके बाद आपने सिंपल आगे चलते आने जो भी डिफरेंशिएशन के रूल्स है उसके लिहाज से क्या हुआ d by dx of 1, 1 का डेरिवेटिव 0, d by dx of cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, याद कराया था ना कि cos x डिफरेंशिएट होके जब sin में बनेगा तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, बाहर ये sin x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ब्रैकेट यहां पे खत्म हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर है बस बाहर वाला साइन एक्स एज इट इज आएगा इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी फिर ये माइनस की साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये बाहर वाला वन प्लस कॉस एक्स एज इट इज है ये हम ऐसे ही उतारेंगे एज इट इज होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स ये स्क्वायर साइन के ऊपर आएगा स्क्वायर साइन साइन एक फंक्शन वेरिएबल के ऊपर नहीं आएगा एंगल के ऊपर नहीं आएगा तो d by dx of f of x is equal to minus sin x से मल्टीप्लाई हो गया minus sin square x और ये minus cos x और ये वाला ब्रैकेट हो गया 1 plus cos x whole divided by sin square x d by dx of f of x is equal to minus sin square x minus cos square x whole divided by sin square x तो d by dx of f of x is equal to minus की sin common ले ली क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अरेंज कर लें थोड़ा सा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को बराबर बराबर में लिख लें ताकि इसकी जगह पे हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस की साइन के बाहर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स की जगह वन पुट कर दिया और ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस की साइन ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है वन प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट माइनस की साइन बाहर है वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया तो एक क्वेश्चन हमने कर दिया इसका जो सेकंड पार्ट जो नहीं क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर एट है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स बिल्कुल सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने अभी किया वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और क्वेश्चन नंबर एट जो है बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स वो आपके क्लास में कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर सेवन जो है y इज इक्वल टू 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले मैं आपको पिछले साल में जो अब तक किए हमने उनका रिवाइज करवा रहा हूं थोड़ा सा अभी तक कितने फार्मूले हो गए पहला फार्मूला क्या था पावर फंक्शन क्या था पावर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एस टू पावर है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है प्रादी पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत आसान है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव तो बहुत ही आसान है सबसे आसान है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर इज वेरी इजी सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव एज इट इज कुछ भी नहीं होता अपने स्टूडेंट्स को हंसी मजाक में ही कहता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम लोग के जैसे कुछ भी कह लो कोई असर नहीं होता बिल्कुल इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर भी डेरिवेटिव का ऑपरेटर का कोई असर नहीं होता वो एज इट इज आ जाता है
तो एक्सपोनेंशियल के फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है। और एक और चीज आप देख लें फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में फार्मूला क्या बना डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, एल एन एक्स में मैं करवा रहा हूं फार्मूला भी डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स होता है वन अपॉन एक्स, सिंपल। यहां पे डिफरेंशिएशन के फार्मूले खत्म हो जाते हैं हमारे, फिंगर टिप पे आप गिन सकते हैं पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लाई हो गई और एक पावर माइनस कर दी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के छह फार्मूले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x sec x tan x, d by dx of cosec x minus cosec x cot x, और d by dx of cot x minus cosec square x। ये छह फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग लाजमी याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए थे, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मैं आपको सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल है। इनिशियल मैं हिंट्स दे देता हूं, डिफरेंशिएट जब करूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये डिफरेंशियल का ऑपरेटर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी जो है कि वो अगर एक से ज्यादा टर्म है तो वो सबसे, जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज की थी उसमें जितने भी टर्म्स होते थे उन सबसे मल्टीप्लाई करते थे, वो प्रॉपर्टी यहां पर लगे। अब यहां पर लगेगा यू इन टू वी, ये सिंपल हो जाएगा, यानी एक स्टेप और दे देता हूं मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूं यू इनटू वी का फार्मूला, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी और यू एज इट इज, और ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन। सर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो ही गया है, चलें इसको खत्म ही कर देते हैं अभी। वन इसका डेरिवेटिव वन, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x plus cos x, और ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वाला x एंगल है और ये वेरिएबल है माइनस sin x, तो sin x plus x cos x माइनस sin x plus sin x माइनस sin x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा आपके पास x cos। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करिए, ओके और सेकंड पार्ट है हमारे पास f of x is equals to sin x cos x। ये क्वेश्चन होने का तो यू इनटू वी से सिंपल हो जाएगा, लेकिन इसकी मैं हिंट दे देता हूं, ये थोड़ा सा एग्जाम में भी आ जाता है और थोड़ा सा टेक्निक इसमें यूज करनी है। हमारे पास फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ा था एक फार्मूला पढ़ा था, क्या साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, इस फार्मूले को यूज करेंगे हम सबसे पहले। तो साइन एक्स कॉस एक्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है वो सिंपल एक सिंगल टर्म सिंगल फंक्शन बन जाएगा। तो अगर टू साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन टू थीटा के बराबर होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा जब मैं पहले इसको राइट कर देते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया साइन टू थीटा अपॉन टू। तो बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर एक्स था तो एंगल एंगल थीटा था तो एंगल क्या हो गया था यहाँ पे टू थीटा, तो अगर यहाँ पे एंगल है
एक्स, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो हमारा जो क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स वो क्या था मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स था ना, वो चेंज होके क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर, अब इसको डिफरेंशिएट कर, इस क्वेश्चन में याद रखना लाजमी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फुल मार्क्स चाहिए, अगर 100 पास की गारंटी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्या होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d by dx of sin 2x upon 2, ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज है 2, ये तो एक कांस्टेंट चीज है, बाहर भी ले सकता हूं मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर से, इसके ऊपर u into v लगा के टाइम लाइन करना है, ये 2 यहां से खत्म हो गया d by dx of sin 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 upon 2 और d by dx of sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos, d by dx of sin x क्या था cos x, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x। एक बात का ख्याल रखना, एक चीज होती है चेंज रूल, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि sin x डिफरेंशिएट होके sin 2x डिफरेंशिएट होके cos 2x आ जाएगा, और इसका जो भी एंगल होगा वो अगेन डिफरेंशिएट होगा, नोट कर लीजिए कि एंगल जो है अगेन डिफरेंशिएट होता है। अब आप कहेंगे इससे पहले तो ऐसा नहीं किया था, इससे पहले ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वहां पे एंगल सिंपल x था और x का डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट होता, पर करें sin x, sin x था ना, डिफरेंशिएट हो गया, हो गया cos x, अब इसका एंगल क्या है x, तो x जब डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा, इसलिए वहां पे ये चीज शो नहीं की थी, वरना होता यही है कि एंगल को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 upon 2 cos 2x और d by dx of 2x का रिजल्ट क्या होगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया मेरे पास d by dx of f of x, जो मेरे क्वेश्चन था, क्या आंसर आ गया cos 2x। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको भी उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, क्या थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ के मैं कर रहा हूं, टेकिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, टाइम बहुत कम है असल में, आप लोग के पेपर बहुत सारी थे और बहुत पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। u इंटू वी का फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा फंक्शन एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फार्मूला क्या है d बाई डी एक्स ऑफ u v as it is plus d by dx of v u as it is, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d by dx of exponential of 1 minus x square minus d by dx of 1 minus x square exponential, sorry plus u into v में तो यानी plus आता है, क्या u differentiate हो गया v as it is आ गया, plus v differentiate हो गया u as it is आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, d by dx of f of x is equal to exponential as it is 1 minus x square, और इधर डिफरेंशिएट 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस की साइन, x square का डेरिवेटिव 2x, d by dx of f of x is equal to e raised to power x square 1 minus x square, और ex common ले लूंगा मैं, बाकी बच गया 1 minus x square minus 2x। स्पीडली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इसकी भी पीछे रीजन